हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोइनीज किचन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी मखाने के लड्डू। जैसा कि हम सभी जानते हैं, मखाने हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। तो आइए देखते हैं इनसे लड्डू कैसे बनाए जाते हैं, और ये लड्डू मैंने विदाउट शुगर बनाए हैं। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर ली है एक कढ़ाई, उसमें मैंने डाला है घी। तो घी हमने करीब यहाँ पर एक टेबल स्पून के करीब घी लिया है, और घी को हम मेल्ट होने देते हैं और गरम होने देते हैं। जब घी हमारा गरम हो जाए तब इसमें हम डाल देंगे 1/4 कप ये बादाम, और बादाम को हम रोस्ट होने देते हैं। तो बादाम को हम इतना रोस्ट कर लेना है पहले, जब ये तब तक ये चटकने ना लगे। इसको हम इस तरीके से लगातार चलाते हुए रोस्ट कर लेना है, और जब ये थोड़े रोस्ट हो जाए फिर इसमें हम डालेंगे काजू। तो हमने यहाँ पर सेम क्वांटिटी में यहाँ पर काजू लिए हैं 1/4 कप। इसको भी हम मिला देते हैं इसमें, और इनको भी हम रोस्ट कर लेंगे। तो काजू को हमें इतना रोस्ट करना है ये ताकि हल्के गुलाबी से हो जाएं, बहुत ज़्यादा हमें इनको रोस्ट नहीं करना है। तो हमारे जो ये काजू और बादाम हैं अच्छे से भुन चुके हैं, अब इनको हम निकाल लेते हैं। तो मैंने इनको निकाल लिया है। इसी घी में हम डाल देंगे किशमिश। तो यहाँ हमने ये जो किशमिश ली है वो 1/4 कप ली है, और किशमिश को हमें सिर्फ 30 सेकेंड के लिए ही रोस्ट करना है। तो बस ये जो हमारी किशमिश है वो देखिए इस तरीके से फूलने लगती है घी में डालते ही। बस हमारी जो किशमिश है ये अच्छे से रोस्ट हो गई, इनको निकाल लिया है मैंने। अब उसी घी में हमने डाल दी है मखाने। मखाने हमने यहाँ पर 70 ग्राम लिए हैं, 70 ग्राम में हमने यहाँ पर मखाने लिए हैं, और इनको भी हम लो फ्लेम पर रोस्ट कर लेंगे। तो हमें जो गैस की फ्लेम है वो लो ही रखनी है, नहीं तो अगर हम मीडियम फ्लेम या हाई फ्लेम में इनको रोस्ट करेंगे तो जल्दी से ये जलने लगते हैं। अब गैस की फ्लेम लो ही रखें, और देखिए इस तरीके से हम हाथ से इसको तोड़ कर देखेंगे कि हमारे मखाने जो हैं वो अच्छे से रोस्ट हुए हैं या नहीं। तो हमारे मखाने जो हैं वो रोस्ट हो गए हैं। अब इसमें मैं डाल देती हूँ घी। मुझे घी थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून और घी डाल दिया है, और घी को हम मखाने में अच्छे से इस तरीके से मिला देंगे। अच्छे से हमें घी को मिक्स कर लेना है मखाने के साथ, और बस लगातार हमें इनको चलाते रहना है ताकि ये जले ना। इस तरीके से तो घी अच्छे से हमारा मिक्स हो गया है, मखाने भी हमारे अच्छे से क्रिस्पी रोस्ट हो चुके हैं। बस मैंने गैस की फ्लेम बंद कर दी है। बस इसी तरीके से थोड़ा और हम इसको चलाएंगे, और इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसको मैंने प्लेट में निकाल लिया है। अब हमने यहाँ पर एक मिक्सर जार लिया है, उसमें हम डाल देते हैं ये जो काजू बादाम हमने रोस्ट कर रखे थे ना, उनको हम इसमें डाल देते हैं, और थोड़े से काजू और बादाम हम बचा लेते हैं, वो हम बाद में यूज़ करेंगे। और इसी जार में हम डाल देंगे ये मखाने भी इसी के साथ, और दोनों चीज़ों को हम एक साथ ही पीस लेंगे। थोड़े से मखाने भी हम बचा लेते हैं, इनको बाद में हम क्रश कर इसमें डालेंगे। थोड़े मैंने मखाने भी बचा लिए हैं, 15 से 20 मैंने मखाने यहाँ पर बचा लिए हैं। इसको हम एक बिल्कुल फाइन पाउडर सा बनाकर तैयार कर लेते हैं, इसको हम पीस लेते हैं। मैंने इसको पीस लिया है, देखिए इस तरीके से हमें इसका पाउडर बनाकर तैयार कर लेना है मखाने और काजू बादाम का। ये पाउडर बनकर तैयार है। अब हम जो हमने ये काजू बादाम बचा कर रखे थे ना, इस चॉपर में डालकर इसको भी हम क्रश कर लेते हैं। तो बस हमें इसको हल्का सा क्रश करना है। अगर आपके पास ये चॉपर नहीं है तो आप एक पॉलीथीन में डालकर बेलन से उसको क्रश कर लें। हमारे ये जो काजू बादाम है वो अच्छे से क्रश हो चुके हैं, हम ऐसे ही इसको ऐसे ही क्रश करना है। और इसी में हम अलग से ये मखाने भी क्रश कर लेंगे। हमारे मखाने भी क्रश हो चुके हैं अच्छे से, क्योंकि हमने इनको बहुत अच्छे से रोस्ट किया है ना, तो ये बहुत आसानी से क्रश हो जाते हैं। अब उसी कढ़ाई में हम डाल देंगे ये गुड़। तो हमने यहाँ पर ये 150 ग्राम गुड़ लिया है, इसको
हम डाल देते हैं इसमें कढ़ाई में और गुड़ को हम मेल्ट होने देते हैं। गुड़ को हमें जब तक मेल्ट करना है बिल्कुल, जब तक ये बिल्कुल लिक्विड सा हो ना हो जाए, तो बस इसी तरीके से हम इसको हल्का सा चलाएंगे और इसको हम मेल्ट होने देंगे। और गैस की फ्लेम जो है यहाँ पर हम लो ही रखेंगे और थोड़ा सा हम बीच में ऐसे चला देंगे ताकि ये जो साइड से जले ना। तो बहुत ही आसान है लड्डू को बनाना, बहुत ही बेसिक चीज़ों से ये बन जाते हैं। और हाँ, अगर आपके बच्चे ड्राई फ्रूट्स खाना पसंद नहीं करते तो आप इनको इस तरीके से लड्डू बनाकर भी, क्योंकि हमने इनको पीस लिया है तो इनको लड्डू बनाकर भी अब आप इनको बच्चों को दे सकते हैं और बच्चे इंजॉय कर सकते हैं। उनको पता भी नहीं चलेगा कि उन्होंने ड्राई फ्रूट खा लिए हैं। तो हमने ये जो पाउडर बनाकर रखा था ना ड्राई फ्रूट का, वो हमने इसमें डाल दिया और हल्का से इसको हम इस तरीके से मिक्स कर देंगे। हमारा जब बिल्कुल गुड़ मेल्ट हो जाए तब हमें इस पाउडर को डालना है। अब इसमें मैंने डाल दिया है किशमिश, इसी के साथ हम इसमें डाल देंगे ये जो क्रश किए हुए हमने काजू और बादाम रखे थे, और अब हम इसमें डाल देंगे ये ग्रेट किया हुआ नारियल। तो ये मैंने 1/4 कप ग्रेट किया हुआ नारियल डाल दिया है। ये सूखा नारियल मैंने यहाँ पर डाला है और ये क्रश किए हुए मखाने भी इसमें मैंने डाल दिए हैं। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा इलायची का पाउडर और बस सब चीजों को हम अच्छे से मिला देंगे। इस तरीके से हमें बहुत जल्दी इसको अच्छे से मिलाना है। और हाँ, गैस यहाँ पर हमें बंद कर देनी है, नहीं तो जो मिक्सचर है हमारा वो थोड़ा हार्ड हो जाता है जल्दी ही और फिर इसके लड्डू बनाना मुश्किल होगा। मैंने गैस बंद कर दी है, बस जल्दी से इसको हम तरीके से मिला लेते हैं। ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, देखिए इस तरीके से हमें मिला लेना है इसको और फिर इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे लड्डू बनाने के लिए। तो मैंने प्लेट में निकाल लिया है। तो अब इसमें हम डाल देंगे 2 टेबल स्पून के करीब यहाँ पर मिल्क। तो ये ठंडा किया हुआ उबला हुआ मिल्क हमने यहाँ पर डाला है। इसे क्या होगा, जब हम लड्डू बनाएंगे तो वो अच्छे से आसानी से बाइंड हो जाएंगे। थोड़ा सा मैं इसमें और मिल्क डाल देती हूँ, बस अपनी आप ज़रूरत के अकॉर्डिंग इसमें मिल्क डालें, बहुत ज़्यादा भी ना डालें नहीं तो वो चिपचिपा हो जाएगा जब लड्डू हम इसके बनाएंगे। तो गुड़ अच्छे से बाइंड हो रहे हैं हमारे लड्डू। इस तरीके से हमें लेमन साइज के लड्डू बनाकर तैयार कर लेने हैं। तो जब बहुत सारे हमने ड्राई फ्रूट्स डाले हैं और बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी लड्डू हमारे बनकर तैयार होते हैं, वही बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को बहुत पसंद आएंगे। तो ज़रूर एक बार आप इस रेसिपी को बनाकर ट्राई ज़रूर करें। और वैसे भी सर्दी का मौसम आ रहा है तो ये लड्डू हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। तो हमने सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो इतने मिक्सचर में करीब हमने यहाँ पर 30 लड्डू बना लिए हैं। तो हमारे लड्डू सर्व करने के लिए तैयार हैं। अगर आपको आज की हमारी ये रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको आज की हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं अगली नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।